हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की मसालेदार सब्जी, और जिसके लिए मैंने 4 लहसुन की कलियाँ, एक टमाटर और 2 प्याज लिए हैं, जो ये बड़े बड़े पीसों में काट के रखा है। इसको हम सैलो फ्राई करेंगे, और ये टमाटर मिक्स किया हुआ, और ये बारीक कटा हुआ प्याज मसाला बनाने के लिए है ये, जिसके लिए मैंने 2 टमाटरों की ग्रेवी और बारीक कटा हुआ प्याज और भिंडी और एक मोटा कटा हुआ प्याज और लहसुन की कुछ कलियाँ। मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है और मोटा कटा हुआ प्याज था। इसको भी मैं सैलो फ्राई करूँगी और तब तक पकाते रहूँगी जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए। और इसको अब मैं निकाल दूंगी क्योंकि ये पक चुका है हल्का। अब मैं इसमें डालूंगी भिंडी। भिंडी जो हरी दिख रही है आपको, और इसमें ये एकदम से ब्लैक ना हो जाए इसके लिए मैं थोड़ा इसमें हल्दी और नमक डालूंगी, जिससे कि ये एकदम से ब्लैक ना हो जाए। अब इसको घुमाते जाना है जिससे कि ये चिपके ना, और भिंडी को तब तक पकाते जाना है जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए। और भिंडी को भी हमें सैलो फ्राई करना है, इसको पकाते जाना है, कम आंच पे पकाते जाना है हमें इसे, और करछी चलाती रहेंगे। और भिंडी हल्की सैलो फ्राई हो चुकी है, अब हम इसको निकाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा, और थोड़ा सा अजवाइन, इसको भी पकने देंगे पहले। अब इसमें डालेंगे हम प्याज बारीक कटा हुआ और लहसुन, इसको भी हम ब्राउन होने तक फर्स्ट घुमाते रहेंगे। थोड़ा हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, और टमाटर की जो प्यूरी बना रखी थी उसे भी डालेंगे।
थोड़ा सा इसमें डालेंगे नमक, और टमाटर को पका भी जाएंगे। और इसमें एक चम्मच मसाला डालूंगी मैं मिक्स, इसको पकने के लिए रख दूंगी। अब आप देख सकते हैं मसालों में तेल छोड़ दिया है। अब इसमें डालेंगे हम भिंडी, जो हमने सेलो फ्राई कर रखी थी, चॉपर किया हुआ प्याज, भिंडी की सब्जी तैयार हो चुकी है। और भिंडी की सब्जी हो गई है तैयार, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। आप भी अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं भिंडी की सब्जी, मसालेदार भिंडी की सब्जी। थैंक यू।